श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी जी का पुत्र सुमंतु था और उनका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पात्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1000 शाखा भेद किए और हे द्विजोतम, उन्हें उनके कौशल्य हृदय नाभ तथा पाशपुंजी नामक 2 महावती शिष्यों ने ग्रहण किया। हृदय नाभ के 500 शिष्य थे जो उदिच्चय सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोतमों ने इतनी ही संहिताएं हृदय नाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राचल सामक कहते हैं। पाशपुंजी के शिष्य लोकाक्षी, नौधनी, कक्षीयान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनिक्रति नामक हृदय नाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद की शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उनके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दे दिया। हे द्विज सतंग, देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मबली, शौलक्यानी और पीपल थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमुदादी और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक जी ने भी अपनी संहिताओं के 2 विभाग करके उनमें से 1 प्रभु को तथा दूसरी संधव नामक अपने शिष्य को दी। संधव से पढ़कर मुंजी केश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3, इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगीर रस कल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। वो महर्षण सूत जी व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निर्वचा, मित्रायु, शांसपायन, अकृत वर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृत वर्ण, सावर्णी और शांसपायन ये 3 संहिता करता है। उन 3 संहिताओं की आधार 1 रोम हर्षण जी की संहिता है। हे मुनि, इन 4 संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराण यज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्म है, दूसरा पद्म, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, पांचवा भागवत, छठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्म वैवर्त और 11वां पुराण लैंग कहा जाता है तथा 12वां वारह, 13वां स्कांद, 14वां वामन, 15वां कौर्म तथा इनके पश्चात मात्सय, गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुनि, यही 18 महापुराण है। इनके अतिरिक्त मुनि जनों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि को के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल भगवान विष्णु का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं।
इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के तीन भेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राज ऋषि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखा, शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मन्वंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उनके विकल्प मात्र है। हे मैत्रेय जी, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 6 अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।